वेलकम टू ऑल क्लास सिक्स स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। तो डिविजिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी नंबर है तो वो नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, डिविजिबिलिटी कहलाती है। तो सबसे पहले हमारा था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय द 10। 10 से कोई नंबर कब डिवाइड हो सकता है, इसकी कंडीशन क्या है, तो इसकी डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे। तो देखिएगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0। कोई नंबर क्या होगा, 10 से डिवाइड कब होगा, जब उसके लास्ट में 0 हो। जैसे हमारा नंबर 20 है, 30 है, लास्ट में देखिए 0 मिल रहे हैं हमें। ये लास्ट की पोजिशन में अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। नंबर 20, 30, 5, 60 एंड दिस आर डिविजिबल बाय 10। ये क्या है, 10 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि इनकी यूनिट प्लेस पे क्या दे रखे हैं, 0 दे रखा है। जिसकी यूनिट प्लेस में 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा। तो आपको 10 की डिविजिबिलिटी में हेडिंग डालकर जो भी अंडरलाइन होगा इस बुक में, वो आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। अब डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। कोई नंबर 5 से डिवाइड कब होगा, इफ द डिजिट्स एट इट्स वंस प्लेस इज आइदर 0 और 5। कोई नंबर 5 से डिवाइड कब हो सकता है, जब उसके लास्ट में क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो यूनिट प्लेस पे, तब वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। जैसे हमारा 30 है, लास्ट में 0 है, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 25 है, लास्ट में 5 है 1 की पोजिशन पे, तो वो 0 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए द नंबर्स 10 के लास्ट में क्या 0 है, तो इसलिए क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 15 है, 20 है, 25 है, 300 है, 565 है, और ये देखिए डिविजिबल बाय 5। क्यों, क्योंकि इनकी यूनिट प्लेस देखिएगा आप, 0 है, 5 है, 0 है, 5 है, 0 है, 5 है। नंबर नहीं चेक करना पूरा ना, 0 और 5 चेक करना है हमें। तो अगर लास्ट में हमारा 0 और 5 मिलता है हमें, तो हम ये कह देंगे कि हमारा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। अब कुछ अगले डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। तो इसके नेक्स्ट में डिविजिबिलिटी आपको दे रखी है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का हमें टेस्ट करना है। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए टेस्ट क्या होता है, देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 एट इट्स वंस प्लेस। हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस निकालने हैं। जैसे हमारे क्या है कि अगर इसके नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ डिजिट्स 0, यदि इसके लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है एट इट्स वंस प्लेस, तो हम ये कह देंगे कि ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। द नंबर्स 10 हो गया, 12, 24, 126 एटसेट्रा आर डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल हैं। क्यों, क्योंकि इनके लास्ट में क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये क्या है, ये 2 से डिविजिबल हैं, क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 मिल रहा है। इसके बाद हम डिविजिबिलिटी 3 की चेक करेंगे। तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या राइट करना है हमें, द टेस्ट ऑफ द डिविजिबिलिटी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज द मल्टीपल ऑफ 3। यदि हम जितने भी हमें नंबर दे रखे हैं, जैसे कोई नंबर लिखा है, उन नंबर्स में जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को जोड़ लो, सम कर लो, और वो सम इतना बैठना चाहिए कि वो 3 से डिवाइड हो जाए या 3 का मल्टीपल्स हो। तो अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो पूरी डिजिट जो है, जो हमें गिविन है, वो पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, द नंबर इज 12, 93, 006 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड है, क्यों, इसका कंडीशन क्या है डिवाइड होने का, देखिए सबसे पहले हमारा बंद दे रखा 2 प्लस, इन सब के बीच में हमने प्लस लगा दिया, यहाँ देखिएगा 1, 2, 9, 3, 0, 0, 6 इन सबको ऐड कर लिया बीच में प्लस लगा के,
तो इनका जो सम आया वो 21 आया, और 21 हम देखते हैं कि 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है, ये जो राइट है, ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसका सम कर देंगे, तो ये 3 से डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे 6 की डिविजिबिलिटी के लिए। तो ऐसा नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, जो 6 से डिवाइड होगा, कब होगा, इसकी कंडीशन ये है कि इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। यदि कोई नंबर दोनों से डिवाइड होता है, इधर 2 से भी होता है और इधर 3 से भी होता है, तब हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे द नंबर 12,936। अब आप यहां देखिए, यूनिट प्लेस में 6 है और 6 है, तो 6 क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है और 6 से भी हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों, ये जो नंबर है दोनों यानी 6 से भी डिवाइड हो सकता है। टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, तो चलिए रीड कर लेते हैं 4 की डिविजिबिलिटी के लिए भी। अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। यदि कोई भी नंबर राइट है उसकी लास्ट की 3 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल होती है, इफ द नंबर फाउंड बाय द इट्स लास्ट 2 डिजिट टेंस एंड 1 प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। यदि लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल हैं, तो हम ये कह देंगे कि पूरा नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। अ नंबर विद 3 और मोर डिजिट्स, या तो 3 हो या 3 से ज्यादा जो डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड हो रही हैं, या हम ये कह सकते हैं लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, तो क्या होगा, वो पूरा नंबर भी जो है वो 4 से मतलब डिवाइड हो जाएगा। द नंबर 312 इज डिविजिबल बाय 4 एज 12 इज अ डिविजिबल बाय 4। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे चेक करेंगे 1 और 10th प्लेस पे, 1 प्लेस पे 2 दे रखा, 10th प्लेस पे 1 दे रखा है, तो अगर इन दोनों को काउंट करते हैं 12 हुआ, तो 12 हमारा 3 से जाता है, सॉरी 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं द नंबर 64,121। अगर बात करें तो इज नॉट डिविजिबल बाय 4, क्यों, क्योंकि ये लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, जबकि सिंगल 4 अगर चाहें तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये फिर भी 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं कैरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया कि 2 या 3 नंबर एक साथ डिवाइड हो 4 से, तब पूरा डिजिट्स जो है वो 4 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होगा। अब डिविजिबिलिटी आप 8 की देख लीजिएगा। अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। यदि कोई नंबर ऐसा जिसके 4 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो रहे हों, इफ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स, यानी जो नंबर बना है उसके लास्ट 3 डिजिट 1, 10 एंड 100 प्लेस वाले डिविजिबल बाय 8, अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं पूरा नंबर भी कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये नंबर दे रखा और लास्ट के 3 डिजिट देखिएगा 064 है, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, 8 8 64, तो यहाँ पे ये 0 में तो कुछ 100 प्लस में कुछ था नहीं, 64 ही था, तो ये डिवाइड हो गया, लेकिन डिजिट्स तो 3 ही काउंट होंगी। क्यों, क्योंकि डिवाइड तो पूरे में लगा है। इसलिए अब जैसे हमारा अगला टेस्ट आता है 9 का, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या है, देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, 9 से डिवाइड होगा इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, यदि इनको सबको जोड़ दो तो इनका सम जो आता है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो हम ये कह देंगे कि पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, जिस तरीके से हमने 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए किया था। द नंबर 3504 इज डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल होंगे। क्यों, इनको अगर हमने सम किया, देखिए 5, 3, 5, 0, 6, 4, तो क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, जो कि क्या है, 9 से डिविजिबल है। अब बात करेंगे टेस्ट ऑफ द डिविजिबिलिटी 11। अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, द लेटेस्ट ए वी द सम ऑफ डिजिट्स ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस, इसमें ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस निकाला जाता है, यदि डिफरेंस
जो आता है वो 11 से डिवाइड हो रहा होता है, तो हम कह देंगे कि वो नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में दे रखा है 803 दे रखा है आपके लिए, तो देखिएगा सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट, राइट से इधर से हम काउंट करेंगे इनका, अगर प्लेस गिने तो वन, देखिए 1 2 3, तो वन प्लेस क्या है ऑड है, टू इवन है और थ्री ऑड है, तो वन प्लेस और थ्री प्लेस की जो, यानी वन प्लेस और थ्री प्लेस की जो डिजिट्स हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। तो अब देखिए वंस मतलब वन नंबर हमारा क्या ऑड नंबर है और थ्री नंबर पे हमारा एट है, तो यानी थ्री और एट को हम ऐड करेंगे तो इलेवन हुआ, तो इलेवन क्या है, इलेवन इनका सम आया। उसके बाद इवन डिजिट कितनी, इवन डिजिट कुछ नहीं जीरो है, इवन नंबर पे जीरो आ गया तो यहाँ पे जीरो ऐड कर देंगे। अब इलेवन और इसका डिफरेंस निकाला तो इलेवन में से जीरो जाएगा तो इलेवन ही बचेगा, इलेवन है तो इलेवन इसका मतलब इलेवन से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये भी इलेवन की डिजिबिलिटी को शो करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि 50,990। अब आप इसमें प्लेसेस को चेक कीजिएगा, हमारे प्लेसेस क्या हैं? अब प्लेसेस जो हैं वो हमें राइट साइड से काउंट करना है, तो राइट साइड की प्लेसेस के लिए क्या करेंगे हम, चलिए देख लीजिए हमारा फिफ्टी है और 990 है। अब हम यहाँ प्लेस काउंट करेंगे, देखिए प्लेस कैसे काउंट होंगे, पहले तो नेमिंग कर देंगे 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे हम इवन प्लेस को देखते हैं, इवन कौन कौन है, देखिए इवन तो 2 है और 4 है, ये इवन है, इवन नंबर हो गए, और ऑड कौन सा, एक तो 1 वाला हो गया, 3 वाला हो गया और 5 वाला हो गया, ये इस तरीके से हमें चेकआउट करना है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा है ऑड, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स, तो हमें क्या करना है इस तरीके से चेक कर लेना है। तो हमारे ऑड प्लेसेस के जो सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, ऑड प्लेसेस डिजिट, फिर इवन का सम निकाल लेंगे, इवन प्लेसेस का सम, फिर डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए ऑड प्लेसेस क्या है, एक तो 9 वाला है, दूसरा ऑड प्लेस पे 9, फिर से 9 राइट कर दिया, फिर दूसरा ऑड प्लेस पे 5 पे 5 ही है, इनको सम किया हमारा 9 9 18 18 5 23, ये आ गया। और इवन प्लेस पे एक तो हमारा 2 है, दूसरा 0 है, तो 2 प्लस 0 2 ही मिलेगा। इसके बाद में हम क्या निकाल देंगे, इनका डिफरेंस निकाल देंगे, 23 नहीं सॉरी, ये हमारा इवन प्लेस पे तो 1 है, यहाँ पे हम 1 राइट करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। अब 23 में से बन जाएगा 22 आ गया, तो 22 क्या है, 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये नंबर 11 की डिजिबिलिटी को होल्ड करता है। अगला एग्जांपल किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए 4 22 107, अब इसको हम प्लेसेस राइट करेंगे, 1 2 प्लेस पे ये, 3 प्लेस पे ये, 4 5 और 6। अब यहाँ पे चेक करेंगे हमारा ऑड प्लेसेस का कौन है और इवन का कौन है, तो ये हमारा हो गया ऑड, 3 वाला ऑड होगा और 5 नंबर, ये भी ऑड ही होता है, तो ये ऑड है। तो ऑड पे कौन कौन से डिजिट हैं, ऑड पे हमारा सबसे पहला डिजिट है 2, फिर ऑड पे हमारा कौन सा डिजिट है 1, फिर ऑड पे हमारा है 7, तो ये हमारा बैठता है क्या 7 10 आ गया। अब इवन प्लेस को हम चेक करेंगे, इवन पे हमारा 0 है, दूसरा इवन प्लेस है हमारा 4, इस पे है 2, दूसरा है 6, तो इसका वैल्यू है 4, तो ये ओवरऑल आ गया 6। अब क्या करेंगे, डिफरेंस निकालिए, देखिए तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, तो 4 तो क्या है, 4 तो 11 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए ये डिविजिबिलिटी नहीं रखता, ये रखता था। इसी तरीके से
तो इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चंस आप सॉल्व आउट कर लेंगे। तो आई होप यू विल वेल अंडरस्टूड अप दिस वीडियो एंड यू विल राइट दिस वर्क इन योर नोटबुक एंड सेंड मी पिक्स ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।